चीनू इस वाले झूले पे झूलेगी जाइंट व्हील पे। झूली थी भाई, यहाँ रावण भी है देखो। स्वाति गाइस मेले में खूगी थी और फाइनली हमें स्वाति मिल गई। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। गाइस सबसे पहले तो ये सुन लो गाइस, अपने मेन चैनल की वीडियो आ रखी है दशहरे का त्योहार, जो कि आज ही मैंने 8 बजे डाल दी थी। तो आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज दशहरा है गाइस। बाकी दशहरा है और मेरे को इतना टाइम हो गया मैं घर नहीं गया हूँ, तो आज मैं जा रहा हूँ अपने घर पे। मेरे ख्याल से 20-25 दिन हो गए मेरे को घर गए हुए, तो आज मैं घर जाऊंगा और घर जाके देखते आज दशहरे पे क्या सेलिब्रेशन होएगा। एंजॉय करेंगे दशहरे पे, बुराई पे अच्छाई की जीत हो रही है तो हम भी तो थोड़ा सा खुश हो लें, क्योंकि हमें भी नहीं पसंद भाई बुराई, हमें भी अच्छाई पसंद है। तो बुराई पे अच्छाई जीत रही है तो हमारा तो खुश होना बनता है ना भाई। तो मैं अभी घर के लिए निकल रहा हूँ, थोड़ा खाना खा लूँ उसके बाद घर निकलूंगा। गाइस कल रात मैंने ये लगाए थे भाई, ओम नमः शिवाय। खच्चर भाई भी हमारे घर को निकले, कब आएगा तू ये बता दे, सच बताइए और झूठ मत बोलियो। 4 दिन बाद। ये कौन सी वो है भाई, 4 दिन बाद? जब मेरी बात तो झूठा ही माना जाता है, तो सच्चा झूठ ही बोलो भाई। भाई तू कभी टाइम से आया नहीं ना, तो 4 दिन जेन्युइन बता। 4 दिन भाई। वह खच्चर का खच्चर ही रहेगा भाई, नहीं सुधरेगा। बैग सारे यही है, कपड़े सारे यही है, फिर भी 4 दिन भाई। मेरी गाड़ी चली गई, मैं बिना सुपर कार वाला बंदा हो गया, तू सुपर कार वाला बंदा अभी, तो तू बैठेगा, तू बैठेगा मेरे से अब। क्या सुपर कार, पूरा दिन निकल गया, 4 बजने वाले है, क्या सुपर कार, क्या सुपर कार, कल का दिन बचाओ भी ऐसे चला जाएगा। गाइस आज का दिन तो निकल ही जाएगा, कल का दिन और निकालना, परसों मेरी सुपर कार आ जाएगी, ऐसी होके आएगी, ऐसी होके आएगी, ओ भाई साहब आग लग जाएगी। चल भाई बाय बाय, हैप्पी दशहरा। गाइस ये सिब्बू तो भाई हमेशा सोती रहती है, मैं जा रहा हूँ घर पे, बाय बाय। इंस्टा मैं जा रहा हूँ घर, बाय बाय। बस भाई आज का दिन और कल का दिन और कट जाए, फिर जो अपनी गाड़ी होके आएगी ना, कसम से बता रहा हूँ भाई, कसम से बता रहा हूँ, तुम लोग ही बोलोगे कि अरे भैया मजा आ गया, एक नंबर होके आएगी गाइस। बस 2 दिन काटने हैं जैसे तैसे करके, आज का तो घर जा रहा हूँ, दशहरा पे कुछ अच्छा सेलिब्रेशन करेंगे तो आज का दिन भी कट जाएगा, कल के दिन क्या करूँ जो कल का दिन भी मेरा कट जाए, देखते हैं कल क्या करूँगा भाई। गाइस गाइस गाइस, विनय की सुपर कार। अबे ओए विनय अपनी गाड़ी ले गया साले खच्चर, तेरी तो ऐसी तैसी करूँगा, इतनी जल्दी थी ना इसको भागने की, अपनी गाड़ी लेके ही भाग गया। अब रुक तो जाता, अगर हिम्मत है ना मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे को चैलेंज कर, तेरी ऐसी की तैसी करूंगा। चलो भाई वाइपर नीचे कर देते हैं गाड़ी के और निकलते हैं भाई, सारे निकलने से पहले कमेंट कर दो राम राम। और अभी चलते हैं घर पे, ये दोनों भी मेरे साथ ही जाएंगे, इनको मैं छोड़ दूंगा ना जवगढ़ मेट्रो पे। कहाँ तक साथ चलोगे भाई, ना जवगढ़ तक छोड़ दूंगा मैं तो, मैं उसके बाद मुझे नहीं पता, मेरे को मेट्रो का रूट भी नहीं पता। उसके बाद तो चले जाएंगे हम, हमें पता है ना। मेरे को ये था कि जाते जाते एटलीस्ट एक बार सुपर कार की नजर तो मार लूं, यहीं खड़ी थी रात को, खाली 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 खाली, हमारी 2 सुपर कार खड़ी होती ना यहाँ पे, एक भी नहीं है, सुनी सुनी सी लग रही है, खाली खाली लग रही है, ऐसा लग रहा है क्या है ये। तो गाइज हम लोग निकल गए हैं, अभी बीच में गाड़ी के टायर में यू नो इशू चल रहे हैं भाई, तो वो सही करवाया था। और सामने देखो गाइज मेला लगा हुआ है दशहरे का। हाँ भाई सुखबीर क्या है ये? गाइज ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ सही बना रखे हैं, अच्छे बड़े बड़े बढ़िया। हमारे यहाँ भी बने हैं। हाँ जा रहा हूँ अपने घर, हमारे एरिया में बना हुआ है, आज रात को फूटेगा। हाँ भाई सुखबीर क्या हाल है? मेरे भाई बैठे हुए हैं। इधर तो सही बोल गया, राक्षस है तू, लंका का राक्षस है तू। तो भाई इनको नजफगढ़ तो नहीं छोड़ पाया मैं, पर डासा डासा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन छोड़ रहा हूँ, डासा बस स्टैंड। चल बाय 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 बाय, हैप्पी दशहरा भाई। इतने टाइम बाद कर लो ग्रामीण दर्शन, क्योंकि 25 दिन बाद मैं गांव में आया हूँ। इतने दिन बाद गांव में आके भाई बहुत अच्छा लग रहा है, और घर जाके तो और भी अच्छा लगेगा। मैंने पापा को भी फोन कर दिया था कि पापा जी जल्दी आ जाना, तो बाहर चलेंगे दशहरे पे, तो पापा भी जल्दी आ गए होंगे घर पे, शायद पहुंच गए होंगे। तो आज हम सारे फैमिली वाले लोग देखते दशहरे पे कहाँ जा रहे हैं। इतने दिन बाद मैं अपने घर के सामने हूँ गाइस, अपनी गली में आया हूँ, और ये घर का गेट देख के ना ऐसा लग रहा है ये गेट मेरा इंतजार करता होगा डेली डेली कि मैं कब आऊंगा मैं कब आऊंगा। हॉर्न मार दिया है, अभी देखते हैं कौन आगे गेट खोलेगा। बाकी हमारे इस वाले प्लॉट में ये किसने खड़े कर दिए भाई, ये हमारे तो नहीं है ये, शायद पूछता हूँ मम्मी से क्या सीन है। तो गाइस चीन उड़ी आई है गेट खोलने, गाड़ी अंदर करूँ बारी, ये किसके खड़े हैं ये? नहीं पता मुझे। नहीं पता तुझे? नहीं। हमारे प्लॉट में कोई लगा के तुझे पता ही नहीं? पता है, है? मम्मी को पता है। भाई चीनू कह रही है मुझे नहीं पता, मम्मी को पता है। तो गाइस घर आ गया हूँ और एक्सयूवी लेके आया हूँ, बता मैं Z4 क्यों नहीं लेके आया? क्योंकि वो गई हुई है मॉडिफिकेशन के लिए। तो देखती है मेरे ब्लॉग? मुझे लगा नहीं देखती, देखती और आते ही पूछेगी भैया सुपर कार नहीं लाया। देखती हूँ मैं। पापा आ गए? लॉयल पापा आ गए? सब्सक्राइबर नहीं,
फोन तो आया था पापा जी का कि आएंगे, अभी तक तो नहीं आए, अभी तक नहीं आए। और कौन कौन है? मम्मी जी नमस्ते, और स्वाति है। जिम से आया है क्या? हैं? हाँ जिम से आया हूँ अभी। लग तो नहीं रहा वर्कआउट करा हुआ। क्यों गाइस मेरी बॉडी अच्छी नहीं लग रही, देखना गाइस देखना मेरी बॉडी सही नहीं लग रही, पिलपिला है, पिलपिला ना है, देख टाइट है, पिलपिला टाइट है, देख। अब ऐसे पंप करेगा तो भी टाइट नहीं हो रही, कांप रहा है, चल जान है तू। तो गाइस घर आके मैं नहा के हो गया हूँ तैयार, और हम सब मेले में जाने के लिए तैयार है। मैं भी रेडी हो गया हूँ, पापा जी भी आ गए, पापा जी भी साथ में जाएंगे, स्वाति भी जाएगी साथ में, एंड चीनुड़ी भी हमारे साथ जाएगी, और मम्मी तो तैयार हो ही रखी है। तो चलो गाइस सारे निकलते हैं, एक्सयूवी में जाएंगे आज हम। सुपर कार क्योंकि मॉडिफिकेशन के लिए दे दी है, दो दिन बाद आएगी सुपर कार, तो मैं एक्सयूवी लेके आया हूँ, तो एक्सयूवी लेके चलते हैं। रस्ते में अगर हमें रावण दहन दिखा तो हम रावण भी दहन देख लेंगे, वरना हम जा रहे हैं गाइस मेले में। बताना ही भूल गया मैं तो, मैं बताना भूल गया, मेले में जा रहे हैं, तब से कह रहा हूँ कहीं जा रहे हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं सारे मेले में, क्योंकि दशहरे का मेला चल रहा है भाई हर जगह। तो हम द्वारका सेक्टर 13 द्वारका सेक्टर 10 वाले मेले में जा रहे हैं हम लोग। कल ये लोग ऑलरेडी सेक्टर 13 वाले में गए थे, तो हम आज सेक्टर 10 वाले में जा रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 13 वाला ओके था, सेक्टर 10 वाला ज्यादा अच्छा है। तो चलो गाइस चलते हैं। ये क्या चीज है? मटके कमोई टाइप, अच्छे से चेक कर फिर बता। ये नहीं पता, बता भी दिया और नहीं भी पता। कमोई, कमोई बोलते होंगे मटके कमोई। ये तो वो है जो व्रत होता है बच्चों वाला, हाँ, उसके लिए कमोई होती है जो, हाँ, और ये करवा चौथ के लिए। मैं तो ये दिखा रही थी असल में, तो डिजाइन तो अच्छा है ही, और देख दिया भी सेम, हाँ अच्छा है डिजाइन तो, सही लगा ना? हाँ सही है, अच्छा मतलब हैंडक्राफ्ट अच्छा है। चलो निकलते हैं, आ जाओ फिर लेट हो जाएंगे वरना। तो गाइस टाइम हो रखा है 7:15, और पता नहीं भाई मेला कितने बजे तक चलता है, तो 11-12 बजे तक तो चलता होगा, तो हम बिल्कुल एंड तक मेले में रहेंगे, जब तक मेला बंद नहीं हो जाता हम जब तक वहाँ पे अपनी मौज मस्ती चालू रखेंगे। भाई देखो यहाँ से घुसी है और पहले ही वहीं जाके आगे जाके बैठगी, बहुत चालू नहीं बनती है चीनू, तू दिमाग चाहिए, वहाँ से भी तो आ सकती थी, बहुत कम स्पेस दीवार पे लगता। हाँ तेरे लिए तो कम है ही, हम जैसे गेट नहीं खुलता, हम जैसे लोग तो आ ही जाते हैं, चीनू के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए। गेट नहीं खुलता, ये इसमें स्केल क्यों पड़ा है? ये शूट पे यूज हुआ होगा, वो बेमुड़ा हुआ नहीं, किसको मारा? सही है तेरे को, रख दो, चलो कोई नहीं बैठो। चलो पापा जी गेट बंद कर रहे हैं, ये रही तो ये अंदर खड़ी थी, तो मैंने इसलिए गाड़ी अपनी बारी लगा दी थी, अभी बाहर की बारी हम लेके निकल जाएंगे। तो गाइस हमें देखो सामने मेला तो नजर आ गया वो रहा, बट हमें गाड़ी की पार्किंग नहीं समझ आ रही कहाँ लगाए, क्योंकि परले वाले रोड में भी लोगों ने गाड़ी लगा रखी है, यहाँ भी सारे के जाम ही जाम है, गाड़ी कहाँ लगाए समझ ही नहीं आ रहा। बाकी मेला वो रहा भाई सामने, भाई मेले से बहुत दूर हमने गाड़ी पार्क लगाई है, मेले के पास तो हमें गाड़ी की पार्किंग मिली ही नहीं, अभी पैदल चल के मेले तक जा रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। ये देख लो भाई सजावट बढ़िया हो रही है, और अंदर काफी सारे झूले भी दिखाई दे रहे हैं। चीनू इस वाले झूले पे झूलेगी? जाइंट व्हील पे झूली थी मैंने, नहीं देखा, मस्त मजे आते हैं भाई। वहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे झूला है, और ये मिक्की माउस है जिसपे कूदते हैं, वहाँ पे वो वाला होगा, ये नाव वाला। चलो गाइस अंदर चल के देखते कितने कौन कौन से झूले मिलेंगे, आ सारे की ट्राई लेंगे फिर। भाई यहाँ पे देखो ऐसे भी बालक है जो मेले के अंदर नहीं जा रहे, दीवार पे खड़े होके यहीं चढ़ के देख रहे हैं बस। चीनू को चाहिए सींग, 50 है मेरे पास, 50 है, तो अपने पैसे से ले ले फिर। चीनू बावली है एक नंबर की, सींग लगा के और बावली, सींग पहला है बावली है, सींग लगा के और बावली हो जाएगी, जड़े भी है यो लगा ले। लगा ले लो भाई चीनू बावली, चलक हो गया। भीड़ देखो भाई, भीड़ बंदे के ऊपर बंदा चढ़न हो रहा है। भाई यहाँ रावण भी है देखो, तो रावण जलेगा तो रावण दहन भी देखेंगे हम लोग। बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, अनलिमिटेड भीड़ है। लो
लो फर्स्ट टिकट होगी हमारी इस वाले झूले की। पहले पहले झूला हमारा ये, हम इस पे झूलेंगे फर्स्ट। पहले हम इस पे झूल रहे थे पर मम्मी बोली कि गोल झूले पे नहीं झूलना, तो अभी हम इस पे झूलेंगे। कोने पे बैठने में मजा आएगा। हाँ कोने पे बैठेंगे बिल्कुल, लेकिन जो लाइन में आके खड़े हैं ना वो बैठेंगे कोने पे। कोई ना, तो गाइस ये वाला झूला कैंसिल करके हम आ गए इस वाले झूले पे झूलने के लिए। इस पे तो मैं और चिनू रेडी थे झूलने के लिए, मम्मी पापा स्वाति ने मना कर दिया कि हम गोल झूले पे नहीं झूलेंगे, बट इस पे सारे एग्री हो गए तो इस वाले पे झूलने के लिए आ गए हम लोग। भाई चिनू बिल्कुल पीछे वाली सीट पे जाएगी। आ जाओ बस यहीं, ये वाली ठीक है, सेकंड लास्ट सीट है ये, पकड़ के रखियो। पर बस ऐसे लगना है, ठीक है। पापा स्वाति आ गए, मम्मी भी आ गई, चीनू भी आ गई, मैं भी आ गया। ये सही ग्रिल लगा रखी है ताकि कोई गिरे ना बाहर, है ना। मम्मी वो रही ना आगे, अभी तक चीनू बिल्कुल डर नहीं लग रहा। लगेगा अभी, इतनी देर होगी ये चला ही ना रहा इसने। अब गया थोड़ा ऊपर, अभी जाएगा तो इसका जाम बचाएगा। भाई चीनू के एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करूंगा डरने के। रुको बैक कैमरे दिखाता हूँ। अब गया ना, ऐसे लग रहा वहां पे गिरेंगे हम। अब गया ना कुछ। मैं डरा हूँ, मैं मजे ले रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ भाई, मैं डरा नहीं हूँ। ओ भाई झूला बीच में रुक गया भाई, वो सामने आंटी बैठी ना और ये दादी बैठी, इनको डर लग गया। मैंने रिएक्शन रिकॉर्ड करा, मेरे ब्लॉग में दिखेंगे। कैसे डर रहा था तू? मैं डर नहीं रहा था, मैं मजे ले रहा था, मैं एंजॉय कर रहा था, ये डर रही थी। मैं डरूंगा? अरे यार घटिया से लपू सा तो झूला है, अच्छे से मजा भी नहीं ले पाए। तो गाइस इसी बीच रावण दहन हो गया है, वो देखो भाई मेघनाथ का वध हो गया है, मेन रावण जलेगा। बस इतनी देर का ही था ये, 10 सेकंड में जल गया, इतना बड़ा रावण 10 सेकंड जला, इससे ज्यादा तो हमारा वो जल गया था जो हमने शूट पे जलाया था। ये खाली होएंगे या तो वो देर पहले जला था। चलो पास चले रावण के, रावण के पास चलते। क्यों भगदड़ मच जाती है क्या वहां पे उस साइड? चल यहां से दिख जाएंगे दो रावण जलते हुए। किसके ऊपर यारे क्या करेगी ऊपर जाके? वहां से देखेंगे ना, टिकट लेनी पड़ेगी ना, इसमें झूलना तो है नहीं हमने, ये तो वैसी बच्चों वाली रेल है। भाई स्वाति खूगी मेले में, उसको फोन मिला रहे हैं सारे। स्वाति खो गई गाइस, स्वाति खो गई, यहाँ पे नेट भी नहीं चल रहा, नेटवर्क भी नहीं आ रहे, उसको फोन भी नहीं कर सकते। देख ले आ रहे कि तो होगी, दाए भाई जा रही होगी तुझे हमारी गल।
भैया मेड़े में खूगी थी भैया इतनी देर में। तो भाई हम मेले से वापस आ गए। कौन सा कह रहा था ये दिल्ली का बेस्ट मेला है? तू कहू थी? तू कहू थी दिल्ली का बेस्ट मेला है। गाइस अंदर इतनी धूल इतनी धूल। वो वाला मेला अच्छा था जहाँ हम पिछली बार गए थे, उसमें मजे आए थे। हम पिछली बार भाई पश्चिम बिहार वाले मेले में गए थे, वहाँ मजे आए थे। यहाँ तो भाई अंदर दम घुट गया, सांस नहीं आई, तो हम बाहर आए हैं अभी भाग के बिल्कुल। ऊपर से ये खूगी थी, इसको ढूंढते ढूंढते पागल हो गए, फिर अंदर सांस ही नहीं आई तो हम वापस आ गए। तो गाइस अभी हम लोग ना वापस आ गए हैं और अभी हम वेगास मॉल जा रहे हैं द्वारका में। बाकी वेगास मॉल, बाकी भाई क्या बोलते हैं, इसकी स्वाति की वजह से हमें मेला छोड़ के आना पड़ा। एक तो ये जो एक ही झूले पे झूली उस पे डर रही थी इतनी ज्यादा, उसके बाद फिर ये खूगी। गाइस रिएक्शन रिकॉर्डेड इन माय ब्लॉग, देख लेना कौन डर रहा था। स्टोरी पे एक वो डाल दूंगी वीडियो, उसमें दिख जाएगा किसकी शक्ल बनी हुई थी। भाई मैं मेरी शक्ल इसलिए बनी हुई थी क्योंकि थोड़ी बोल रहे हूं, मुझे भी बोल सकती है। अरे ये मेरे को कह रही है, ऊपर ले लिया ना मुझे। मैं नहीं डरा भाई मैं पैराग्लाइडिंग कर लेता हूँ, मैं इतनी सब कुछ एक्टिविटी करता हूँ, मैं इसमें डरूंगा इसमें लप्पू से झूले में? तो पैराग्लाइडिंग मैंने भी करी अभी रिसेंटली, लेकिन तू डरा है? नहीं, अरे मैं डरा नहीं हूँ, मैं चलते झूले में हाथ छोड़ के अपने इसकी लोअर की चेन खोल रहा था उसमें फोन डालने के लिए, ताकि फोन नीचे ना गिरे, तो इसलिए शक्ल बन रही थी वो ऐसे गंदे शक्ल बना के। अरे यार तेरे पीछे जो थे वो बोल रहे थे भाई डर क्यों रहा है, उनको क्या बताऊं मैं जेब में। भाई मैं बैठ रहा थोड़ा नीचे होके कि मैं अपना वो डाल लूं, फोन डाल लूं जेब में, इनको लग रहा है कि मैं डर के बैठ रहा हूं। मैंने मान ली इसकी शक्ल पर नहीं थी स्वाति की, बल्कि डरी हुई थी तो बिल्कुल भी नहीं। और ये तो बहुत डर रही थी चीनू और मम्मी, और मम्मी तो इतना डरी मम्मी ने झूला ही रुकवा दिया। लप्पू बातें कर रहे हैं और क्या, हमारे चक्कर भी पूरे नहीं हुए थे, मतलब मम्मी की वजह से नहीं रुका झूला बेसिकली। हाँ। ना वहाँ पे दो तीन लेडीज थी और एक दो बच्चे थे, वो बिल्कुल ऐसे हो गए थे वो, भाई रोक दो रोक दो। दादी, हाँ मतलब थोड़ी ना एजिड थी वो, थोड़ी बूढ़ी थी वो औरत, तो उसने रुकवाया झूला हमारा, तो वो झूले का चक्कर भी पूरा नहीं हो पाया, उसने रुकवा दिया कि भाई बीच में रोक दे, तो हमें फिर उतरना पड़ा। उसके बाद फिर रावण दहन देख लिया, उसके बाद ये हुआ कि और झूलों में झूलेंगे, पर इतनी भीड़ खोगी तो गई और ये फिर स्वाति खूगी उसके बाद, और भाई फिर माना इतनी घुटन होगी बिल्कुल, धूल मिट्टी इतनी उड़ रही घुटन होगी, और सांस लेने तक का वो नहीं था, तो हम फिर वापस ही आ गए। फिर अभी हम जा रहे हैं वेगास मॉल। स्वाति खोई थी, मिली कैसे, ये तो बता दो। फिर मैंने फोन करा, किसकी वजह से मिली बता, फोन करा वीडियो कॉल करके इसको दिखाया कि हम कहाँ खड़े हैं, फिर ये आई वहाँ पे। नेट भी नहीं चल रहा था ना किसी का मैसेज, ना तो मेरा फोन लग रहा ना तुम्हारा पिक हो पा रहा। इसका फोन लग तो रहा था पर आवाज ही नहीं आ रही, इसने कई बार फोन उठाया, मैंने इसको करा या इसने मेरे को करा, फिर मैंने भी कई बार उठाया पर आवाज ही नहीं आ रही, मेरे की आवाज आ रही बस। वीडियो कॉल करके इसको दिखाया हम कहां खड़े हैं, वीडियो कॉल में दिखा मेरे को वाडी लाल आइसक्रीम, मैंने तेरे को मैसेज भी कर रखा है वाडी लाल आइसक्रीम, वो बाद में डिलीवर हुआ है, वो जब रेंज आई ना तब हुआ है। चलो यार कोई नहीं, अभी वेगास चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं और लेट्स सी कि आगे क्या होगा। स्वाति गाइस मेले में खूगी थी और फाइनली हमें स्वाति मिल गई। आज मैं पहली बार खोई हूँ कहीं, मैं आज तक नहीं खोई, वरना भैया क्या वरना मैं खो जाता था बचपन में खोता था मैं, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं खोया, लेकिन हर बार खोता था, लेकिन बचपन में था भाई, बच्चा था छोटा, तेरी तरह तो नहीं है, चश्मे लगा के चार आंख लगा के भी खो गया। तो तुम मुझे छोड़ गए तो उस टाइम तुम भी मुझे छोड़ जाते थे और क्या, यही होता था। तो गाइस वेगास मॉल आ गए हैं, ये पागल हो गया भाई मेले में, तू खो जाती सही रहता। खो जाती फिर अपने आप, कहीं चले जाते हो मम्मी के साथ, मैं रहती हूँ, पूछो मम्मी, मैं कहीं कहाँ चले जाते हम, तो गुड़गांव रहता है वो, अपने हॉस्पिटल में चली जाती है, मैं रहती हूँ मैं मम्मी के साथ, फिर ना जाऊँ मम्मी के पास, तो स्कूल में ना जाती, ट्यूशन में ना जाती, मम्मी के लिए रुक जाती हूँ मैं छुट्टी मार लेती हूँ। वो तो तेरा छुट्टी मारने का बहाना हो गया ना, मेले में खो जाती और फिर सुबह आती अपने आंड फिर के, कोई था ले जाता काट देता, फिर पाकिस्तान में है तू, इंडिया में रहे तू, इंडिया में भी बहुत रात फ्रिज में पाती, तम अपने मुंह आना बंद कर लो, उल्टे सीधे मत बोलो, और टेररिस्ट अटैक हो जाता तुम चले जाते फिर, ए पागल कति पागल हो गया चीनू, कुछ भी बोलने जाएगी, बोलने से मतलब है। तो गाइस हम आ गए हैं मॉल में, बेसमेंट 3 में लगा दिया पार्किंग, और अभी चलते हैं कुछ ऊपर खा लेंगे, कुछ शॉपिंग कर लेंगे एंड वहां चलते हैं पीवीआर, देखते हैं कोई अच्छी मूवी लगी होगी तो।
और अगर हमारा शो टाइम कुछ मैच कर गया तो कोई मूवी देख लेंगे बढ़िया सी। तो भाई अभी हम शॉपिंग कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है पापा के लिए ट्रैक सूट। तो अभी पापा के लिए ट्रैक सूट ढूंढ रहे हैं हम, यहाँ मैक्स में देख के आए थे वहाँ नहीं मिला, अभी ऊपर जा रहे हैं, हो सकता है कि ऊपर हमें कहीं मिल जाए। क्या मोनी होती क्या स्पोर्ट्स की दुकान शिव नरेश वाली है, वे शिव नरेश के ट्रैक सूट आया करते, किसी को पता है शिव नरेश के शिव शक्ति के ट्रैक सूट आते थे, गोल्ड स्टार के जूते, गोल्ड स्टार के जूते, बचपन में भाई ड्रीम होता था गोल्ड स्टार के जूते आ जाए, शिव नरेश का लोअर आ जाए, शिव शक्ति की टी शर्ट आ जाए और अपना वो क्या बोलते हैं गेट रेडी विद मी हो जाएगा, व्हाइट कलर की शिव शक्ति की टी शर्ट है मेरे पास, ये गेट रेडी विद मी हो जाता था उसने 1000 रुपए में मैक्सिमम। तो अभी बहुत सारी कैंडीज ले ली हमने मिक्स करवा के, चीनू को खानी थी कैंडीज तो मिक्स करवा ली, 200 ग्राम आई है 450 रुपए की। तो गाइज मॉल से वापस आ गए हैं, ट्रैक सूट नहीं मिला और ना मूवी का कोई शो मिला, मूवी का शो जो था वो था लास्ट 10:20 पे, अब हमें खाना भी खाना था, 10 तो बज चुके थे, तो हमने फिर खाना खाना सही सोचा, हमने फिर खाना वाना खाया तो अभी बज चुके हैं 11, तो अभी तो कोई शो था नहीं, तो मॉल से वापस पार्किंग में आ गए और अभी घर पे जा रहे हैं, अभी हम गाड़ी ढूंढ रहे हैं मॉल की पार्किंग में, ना ये होता है मोस्टली गाड़ी ढूंढने में कई बार टाइम लग जाता है, एक बार बावली है एक नंबर की, एक बार गाइज एम्बियंस मॉल की पार्किंग में गुड़गांव में हमने 40 मिनट तक गाड़ी ढूंढी थी, पर तेरी एसयूवी में तो वो है ना सेंसर, सेंसर तो है बट मॉल की पार्किंग में वो डायरेक्शन कैसे लोकेट करेगी, गूगल मैप पे लोकेशन मॉल में थोड़ी ना लोकेशन दिखा देगा कि राइट जाओ लेफ्ट जाओ, हाँ ये दिखा देगा गाड़ी इतनी दूर खड़ी है, अब कब तक ढूंढते रहो कहा रही ये थोड़ी है भाई, 40 मिनट लगी थी एक बार मेरे को एम्बियंस मॉल में, उसके बाद भी मुश्किलों से जाके मिली थी, लेकिन गाइज अभी तो अपनी एक्सयूवी मिल गई है, देख, देख, ये खड़ी भाई, चलो आगे बैठने के लिए इनकी लड़ाई होती है हमेशा स्वाति की और चीनू की, कि मैं आगे बैठूंगी, बहस तो करती है लड़ाई नहीं करती, तो चलो गाइज घर चलते हैं। भाई जैसे ही घर पहुंचे देखो कितने सारे हमारे बॉडीगार्ड आ गए, हमारे अंगरक्षक 1, 2, 3, 4 और 5, ये नया कुत्ता है क्या, चलो भाई चलो अब हम आ गए, अब तुम बाहर चलो हमको अंदर जाने दो, ये चीनू का दोस्त है बिल्ली, बिल्ली पर ये है, ये अगर रात को हम बाहर निकले तो पूरी सेफ्टी देंगे, थप्पड़ मारा हाथ से, अरे तू कहाँ रह गया भाई, तो गाइस मैं जा रहा हूँ वापस से गुड़गांव क्योंकि जाके थोड़ा काम करना है, और जाते हुए मम्मी मेरे को दे रही है एक तो गुड़ का डब्बा और बादाम्स, तो ये अभी सर्दी आने वाली है थोड़ी सेहत बनानी पड़ेगी भाई मेरे को, और दूध मैं ले आया करूंगी, दूध ले आना आप, चलो ठीक है क्योंकि वहाँ थैली का मिलता है, घर से मेरे लिए स्पेशल आ जाया करेगा भैंस का, तो भैंस वाला दूध पिया करेंगे भाई, चलो गाइस चलते हैं वापस, चीनू मेरी चप्पल उठा ले उसमें डिग्गी में डाल दियो और ये भी पकड़ी ले फिर। सो गाइस वापस आ गया हूँ गुड़गांव और भाई बहुत थकान हो रखी है, सुबह उठा ड्राइव करके घर गया, फिर मेले में गए, फिर मॉल में गए, फिर घूमे, फिर खाया पिया, फिर वापस घर आया, घर वालों के साथ बैठा बातें करी, फिर वापस गाड़ी चला के गुड़गांव आया, वेरी बिजी डे बट बहुत अच्छे से दशहरा एंजॉय करा हम लोगों ने, और वापस घर आ गया हूँ गुड़गांव, अभी सिब्बू की वीडियो हो गई है फाइनल, मतलब देखो मेरा व्लॉग देख रहे हो ना आप लोग, सिब्बू की वीडियो आ जाएगी इसके मेन चैनल पर 1 बजे, दादी में आया भूत का पार्ट 3, दोनों पार्ट से बढ़िया ये वाला पार्ट 3, तो इसकी वीडियो जरूर देखना सिब्बू के मेन चैनल पर, सबको पता ही होगा सिब्बू गिरी नाम से चैनल है, तो 1 बजे इसकी वीडियो देख लेना, कर देना और भाई इसके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, टाइम दिखा देती हूँ फोन में वरना कहेंगे मेहनत नहीं करते, 5:12 हो रहेगा, 5:12 हो रहे हैं, इसने भी एडिटिंग पे बैठी हुई है तब से, ये सुबह सोएगी, अभी मैं भी ब्लॉग एडिट करूंगा, मैं भी सुबह सोऊंगा, डेली ऐसे ही होता है, सुबह 7-8 बज जाते हैं हमें सोते 3 घंटे ही सो पाते हैं, फिर उठ जाएंगे, मैं फिर उठ जाऊंगी 11-12 बजे, ये तो है यार नींद हो ही नहीं पा रही पूरी, सुबह सोते हैं और दोपहर में उठ जाते हैं, 4 घंटे 3 घंटे 3.5 घंटे ऐसे सोते हैं और पूरे दिन जाग के काम करना पड़ता है। चलो गाइज अभी ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, बाकी आप लोगों का दशहरा कैसा गया कमेंट करके बताना, कहाँ गए आप लोग, कोई मेले में गए होगा, वीडियो एडिट करते हुए गया
कोई मेले में गया होगा, कोई कहीं गया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना गाइस। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। कल सुबह 11 बजे मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, ये रहा मेरा यूजर नेम। बाय बाय, लव यू, सारे खुश रहो और बोलो जय श्री राम।